Bismillah Rahman Rahim, Assalamu Alaikum. Sufi Education Point पर खुश आमदीद. आज की वीडियो में टीचिंग की जॉब के हवाले से आपको बताते हैं. आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस में टीचिंग की कुछ वैकेंसीज आई हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं किन सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आपको अप्लाई का तरीक़ेकार भी बता देंगे. तो सबसे पहले देखें, उनको चाहिए सीनियर टीचर. चाहिए सीनियर टीचर में बायोलॉजी टीचर, फिज़िक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी एंड कंप्यूटर टीचर रिक्वायर हैं. इनके लिए एज जो है वो 25 से 50 साल होनी चाहिए और उसके बाद जो एजुकेशन है एमएससी या बीएस होना चाहिए विद बीएड या एमएड. एमएससी या बीएस हो उसके साथ आपके पास बीएड या एमएड होना लाजमी है. उसके बाद एमए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत और पाक स्टडीज़ के लिए, और उनको भी बीएड और एमएड लाजमी करार दिया गया है. उसके बाद उन्हें जूनियर टीचर चाहिए. जूनियर टीचर भी आप देख लें, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस टीचर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी और इस्लामियात के जो जूनियर टीचर रिक्वायर हैं. इनके लिए भी एज जो बताई गई है वो 25 से 50 साल है और एजुकेशन भी सेम टू सेम है, यानी कि एमएससी या बीएस हो विद बीएड या एमएड. तो उसके बाद कुछ प्री स्कूल टीचर जो उन्हें रिक्वायर हैं वो उनकी एज जो है वो 22 से 25 साल होनी चाहिए. आर्ट टीचर और म्यूज़िक टीचर भी चाहिए, इनकी एज भी सेम 25 से 35 साल होनी चाहिए. और एजुकेशन देखते हैं, प्री स्कूल टीचर की मास्टर होनी चाहिए विद डिप्लोमा, और जो आर्ट टीचर हैं या म्यूज़िक टीचर हैं उनके लिए एमए फाइन आर्ट्स विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, और उसके बाद या बीए बीएससी हो विद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस. तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की कुछ वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें अकाउंटेंट है, आईटी सुपरवाइजर है, हेड क्लर्क है, क्लर्क है, नर्सिंग असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, उसके बाद साइंस लैब अटेंडेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और लेडी रिसर्चर है. इन सब जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है और लोकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. उन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी पब्लिक स्कूल ग्रेसी एंड कोबलाइंस और एफडब्ल्यू मॉडल हाई स्कूल मॉडल स्कूल रावलपिंडी में मदरजा जैल खाली सामियों के लिए दरख्वास्त मतलूब है. तो आप बाय हैंड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो डाक के जरिए भेज सकते हैं या बाय हैंड जमा करवा सकते हैं. उन्होंने नीचे नोट भी लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी लिफाफे को दाएं जानब ऊपर कोने पर सामी का नाम लिखें, एफडब्ल्यू और इस इश्तहार या मनसूबे को तर्क मुलतवी, मनसूख, जुजवी या मुकम्मल तौर पर इश्तहार मवाद को तब्दील करने का हक रखता है. सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी और दीगर नोट भी आपको लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं नीचे. और उसके अलावा अगर मजीद कुछ मालूम चाहते हैं तो उन्होंने एक नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं. फ़ोन नंबर क्या है, 0519280774, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं.